दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट को। ओके, तो एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं बुकिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। इसे मैंने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको समझने में भी ईजी हो, और बाद में अगर आप वीडियो की स्लाइड्स को देखेंगे तो आप इन्हें खुद ही रीड कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको ज़रूर समझाऊंगी, इससे आपको इतनी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि एक बार आप रीड करोगे खुद भी एग्ज़ाम से पहले तो भी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है, साथ ही साथ 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। चलिए क्या क्या है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखेंगे शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट्स के बीच में। चलिए नेचर से स्टार्ट करते हैं। एक शेयर सर्टिफिकेट शेयर की ओनरशिप का एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है, ये प्रूफ होता है। शेयर वारंट क्या है? शेयर वारंट ये एक एश्योरेंस है, ओके, कंपनी की तरफ से, जो कि शेयर की ओनरशिप को शो करता है। ओके, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है चलिए देखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर ही इंस्ट्रूमेंट को के होल्डर हो सकते हैं। शेयर वारंट में जो वारंट के होल्डर होते हैं वो कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होते हैं। जब शेयर वारंट इशू किया जाता है तो उस होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर लिस्ट से हटा दिया जाता है, ओके, अगर वो कंपनी के मेंबर है तो। ओके, तो इसका मतलब क्या, शेयर वारंट के लिए कंपनी के मेंबर अगर होते हैं तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है, रजिस्टर लिस्ट से कंपनी के। ओके, चलिए अब मेंबरशिप को देखते हैं। जो शेयर सर्टिफिकेट के होल्डर होते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें कंपनी का मेंबर होना ही चाहिए, वरना वो शेयर सर्टिफिकेट के होल्डर नहीं बन सकते। ये मैंडेटरी है कि शेयर सर्टिफिकेट के जो बियरर हैं वो कंपनी के मेंबर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो। ओके, इसमें रजिस्टर्ड होना मेंबर लिस्ट में ज़रूरी है। ओके, शेयर वारंट में क्या होता है, शेयर वारंट में होल्डर्स कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। बट अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये मेंशन किया हुआ हो तो मेंबर्स भी शेयर वारंट को बेयर कर सकते हैं, इन्हें भी ये राइट मिल सकता है। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर ये प्रोवाइड करे तो मेंबर्स भी शेयर वारंट के बेयरर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए कंडीशन फॉर इशू को देखते हैं। क्या है कंडीशन, शेयर सर्टिफिकेट के को कोई भी कंपनी इशू कर सकती है जिनके पास शेयर कैपिटल होता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी, बट शेयर वारंट को सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को, इशू। शेयर सर्टिफिकेट को हम फुल्ली या पार्टली दोनों तरह से ही पेड अप इशू कर सकते हैं, बट शेयर वारंट में शेयर सर्टिफिकेट से ये अलग है। इसमें क्या होता है, शेयर वारंट को सिर्फ फुल्ली पेड अप पर ही इशू किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, ध्यान में रखिएगा, शेयर सर्टिफिकेट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे ही किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। इसके लिए पूरी की पूरी जो भी ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है उसे फॉलो करनी पड़ती है और इसे ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, और इससे क्या उसके बाद क्या होगा, शेयर जो होल्डर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, आप इसे मेयर डिलीवरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। बट शेयर वारंट में क्या है, शेयर वारंट में जो भी ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और सिर्फ ये किसी को भी ट्रांसफ़र करने से शेयर वारंट की ट्रांसफ़र ये भी मानी जाएगी। ओके, या आप कह सकते हो कि हैंड टू हैंड डिलीवरी से ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन सा है
परमिशन ओके। परमिशन क्या है? सर्टिफिकेट में, शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट शेयर वारंट में क्या होता है, शेयर वारंट में ये ज़रूरी है कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन ले, तो ही वो वारंट को इशू, शेयर वारंट को इशू कर सकती है। ओके अब देखेंगे हम पॉइंट कौन सा है, डिविडेंड क्वालिफिकेशन शेयर फॉर डायरेक्टर्स। तो इसमें क्या है, शेयर सर्टिफिकेट में जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन शेयर में इंक्लूडेड होते हैं। शेयर वारंट पर, शेयर वारंट के जो शेयर होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन शेयर में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ओके चलिए अब डिविडेंड कूपन को देखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में कोई डिविडेंड कूपन नहीं मिलता, बट शेयर वारंट में होल्डर्स को डिविडेंड कूपन भी मिलता है। डिविडेंड का पेमेंट, शेयर सर्टिफिकेट में जो उनके होल्डर्स होते हैं उन सभी को कंपनी क्या करती है, इंडिविजुअली या पर्सनली इन्फॉर्म करती है कि कंपनी अब डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है। बट शेयर वारंट के बियरर को डिविडेंड कूपन के थ्रू ही पे किया जाता है। डिविडेंड किसके थ्रू पे किया जाता है, कूपन के थ्रू पे किया जाता है। ओके अब लास्ट जो है वो देखते हैं, पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। तो जो शेयर सर्टिफिकेट के होल्डर होते हैं वो चाहें तो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं। बट जो शेयर वारंट के होल्डर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन नहीं भेज सकते। फॉर किसके लिए, बाइंडिंग फॉर द कंपनी। ओके बाइंडिंग अप के लिए, वो कंपनी के बाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन नहीं भेज सकते। तो ये सारे जितने भी हैं 11 पॉइंट्स है आई थिंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसे टेबुलर फॉर्म में शो किया है, तो इसको आपको देखने में भी बहुत ईजी होगी। ओके चलिए तो आज की क्लास में यही एंड करूँगी, और अगर आपको और भी दूसरे वीडियोस की नीड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।